ओके अच्छा यार, अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इसका एस्पेक्ट है छोटा सा। अब वेब पैक की एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग मॉड्यूल्स यूज़ कर सकें। मॉड्यूल्स क्या होता है? वो ये होता है कि यार चंक ऑफ डेटा होता है या चंक ऑफ कोड है आपका, जो आप एक फाइल से दूसरी फाइल पे जावास्क्रिप्ट पे इंपोर्ट कर सको या एक्सपोर्ट कर सको, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आप विदाउट वेब पैक नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अब हम लोग जाते हैं सोर्स के अंदर और जाके एक और फाइल क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं डॉम डॉट जे एस, ठीक है। अब डॉम डॉट जे एस हमारे लिए क्या करेगी, ये हमारे हैंडलिंग करेगी। इस फाइल का काम है हमारे लिए हैंडल करना सारा क्या, डॉम इंटरेक्शंस को हैंडल करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके पहले लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, ये हमारी डॉम फाइल है। और मैं लिखता हूँ जाके यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बॉडी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग चूज करेंगे। बॉडी टैग के अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ स्टाइल बॉडी का। इसका काम होगा क्या करना, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना, ठीक है। और इसको हम लोग रखते हैं कि पीच पाफ, सही है जी। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं फिर एक और कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ ऐड टाइटल का, ठीक है, जो टेक्स्ट लेगा, ठीक है। टेक्स्ट लेने के बाद टाइटल, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे हम इसको H1 टैग क्रिएट करेंगे। टाइटल डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को हम लोग इक्वेट कर देंगे टेक्स्ट के, ठीक है, और बॉडी के अंदर ये अपेंड कर देंगे टाइटल, सही है। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं, स्टाइल बॉडी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एड टाइटल हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द डॉम फाइल पास कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग इंडेक्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ इम्पोर्ट करो डॉम, मुझे यहाँ पे डॉट जे एस डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वेब पैक को पता चल जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स फाइल, और नीचे मैं ट्राई करता हूँ कि यार किसी तरीके से मैं उधर से जो हम लोगों ने क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे उधर से फंक्शन कॉल करता हूँ ऐड टाइटल का, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया ना डॉम, ठीक है, यहाँ से मैं ऐड टाइटल यहाँ पे चूज करके, ठीक है, टेक्स्ट पास कर सकता हूँ एनी टेक्स्ट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये देखो मेरे पास क्या हो गया, मैंने वो इंपोर्ट किया डॉम, ठीक है, लेकिन मैं इसका फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाया फिर भी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैंने नहीं यूज़ करना जी, अगर मैं यहाँ पे नहीं कॉल करता, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे ना कॉल करूँ और मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ इंडेक्स के अंदर, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या तरीका है, उसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, उसे कहते हैं कि हम इसकी इसको मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग कॉल कैसे करते हैं, ठीक है, लेट्स डिलीट दिस दीज टू फ्रॉम, यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे पीछे डालते हैं एक्सपोर्ट, बेसिकली यही चीज़ पकड़ते हैं और इसके पीछे बस हम लोग क्या लगा देते हैं, एक्सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है। और इसको ज़रा हम लोग थोड़ी देर के लिए कैंसिल आउट कर देते हैं, ये एक्सपोर्ट, ये, ठीक है। अब असल में हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने इनको एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है, कि यार ये दो जो मेरे फंक्शंस हैं ये मैं एक्सपोर्टेबल फंक्शंस हैं मेरे लिए, ठीक है। अब मैं इंडेक्स के अंदर जाके
मैं अब इंडेक्स के अंदर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको कॉल कर सकता हूँ। मैं इनको कैसे कॉल कर सकता हूँ, मैं टॉप पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट और फिर मैं डालूंगा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और मैं लिखूंगा स्टाइल स्टाइल बॉडी और एड टाइटल फ्रॉम डॉम। अब मैंने क्या किया है, पहले मैंने डॉम के अंदर जाके ये दो फंक्शंस को एक्सपोर्ट, एड टाइटल को, ठीक है, और स्टाइल बॉडी को मैंने पहले एक्सपोर्ट किया, और फिर मैंने अपने इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर जाके क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा ना, ठीक है, अब ये चलेगा, देखा आपने, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूल है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर लिया मॉड्यूल। अब अगर हमारे पास इस तरह के 10 फंक्शंस हो, ठीक है, अब हम हर किसी के पीछे तो नहीं एक्सपोर्ट लगाते फिरेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक और तरीका है, वो ये है कि हम लोग लेट्स गो बैक टू हमारे ओरिजिनल जो था, और हम लोग नीचे एंड पे जाके क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट और कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टाइल बॉडी और एड टाइटल, ठीक है। ये हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर भी ये चीज यहाँ पे काम करेगी, समझ आ रही है, ठीक है। अब यार वो मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट इज समथिंग दैट वेब पैक, ये वेब पैक की चीजें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स छोटे छोटे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया स्टाइल बॉडी का, हमने फंक्शन क्रिएट किया एड टाइटल का। अब हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस मर्जी फाइल के अंदर चले जाएं, ठीक है, इस इंडेक्स फाइल के अंदर हम लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। अब ये रिएक्ट पे बहुत यूज़ होता है, ठीक है, क्यों भला, क्योंकि रिएक्ट के अंदर आप लोग कंपोनेंट्स एक दूसरे की जगह से उठा रहे होते हो, इम्पोर्ट कर रहे होते हो, ठीक है, उसको फिर एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। आपने बता दिया कि कौन सी चीज़ें एक्सपोर्टेबल हैं, कौन सी चीज़ें, अब आप बॉडी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, क्योंकि बॉडी को आपने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, लेकिन आप बॉडी को एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, पीछे बस आपने इसका क्या लगाना है, एक्सपोर्ट लगाना है। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ डेटा डॉट जे एस। यहाँ पर मैं डेटा डॉट जे एस के अंदर एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ यूज़र का, ठीक है, ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे मेरे पास क्या है, नेम है, और मेरे पास क्या है कि ये क्या प्रीमियम है या नहीं है, ठीक है, एनीवेज लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दिस। यहाँ पे मैं अराउंड भी 5 ले देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी फॉल्स डाल देता हूँ, ठीक है, अब ये हमारे पास ही है। अब इमेजिन करो कि मैंने ये चीज़ इसको एक्सपोर्ट करना है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि नॉर्मली अगर मैं कभी भी कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करूँगा इस फाइल के अंदर, उसे पता होगा कि बाय डिफॉल्ट मैं यूजर्स को क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ इम्पोर्ट anything from data, और मैं console dot log करता हूं anything को, तो क्या आएगा मेरे पास, मुझे कौन बताएगा। yes exactly, ये देखो इसका मतलब है कि जो default है ना उसका कुछ भी नाम, उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। यहां पे अब हम लोग दोबारा users आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे और चीज़ें ऐड नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे और चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ गेट प्रीमियम यूज़र्स, ठीक है, जो यूज़र्स लेगा और हमें रिटर्न कर देगा क्या, यूज़र्स डॉट फिल्टर, ठीक है, यूज़र
यूजर डॉट प्रीमियम, जो जब ट्रू इसकी वैल्यू होगी वो ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ एक्सपोर्ट सिंपली, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जाके जहाँ पे मैंने ये इंपोर्ट यूजर्स, ठीक है। अब तुमने नोटिस किया है कि जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है तो मुझे कर्ली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होता फिर मुझे कर्ली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और लाइन पे भी जा सकता हूँ, इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करना है हम लोगों ने डेटा से, गेट प्रेम यूजर्स, ठीक है, फ्रॉम डेटा, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ, क्या गेट प्रीमियम यूजर्स, और मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ जो अभी हम लोगों ने यहाँ से यूजर्स निकालने हैं, और हमारे पास यहाँ पे किधर आई है जी, कॉन्सोल डॉट लॉग किधर हुआ है, ओ क्या एरर आया, एरर जी आ गया, एरर देखते हैं जी एरर क्या है, किधर, ओह यस, चलो हो गया जी, गेट प्रीमियम यूजर्स नहीं है, गेट प्रीम यूजर्स है, ठीक है। अच्छा अब क्या कहता है, टाइप एरर, टाइप एरर है जी, इसका मतलब है कहीं मैंने यूजर्स गेट प्रेम यूजर्स डेटा के अंदर जाते हैं जी, और गेट प्रेम यूजर है, और यहाँ पे जाता हूँ, अब हमारे पास आ जाना चाहिए, देखिए हमारे पास तीन आ गए जो हमारे प्रीमियम यूजर्स थे, ठीक है। अब हमने देखा कि हम लोग इस पे कुछ भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका है, मैं ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, और मैं एंड पे जाके सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि एक्सपोर्ट, ठीक है, गेट प्रेम यूज़र कॉमा और यूजर्स एज डिफॉल्ट। अब उसको पता लग गया कि मैं एक गेट प्रेम यूज़र को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं यूजर्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एज डिफॉल्ट। सबको क्लियर है ये बात, ठीक है, नहीं डिफॉल्ट सिर्फ एक होता है, मल्टीपल डिफॉल्ट्स नहीं हो सकते, ये बात याद रखनी, अच्छा सवाल पूछा है ज़ेनी ने, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट सिर्फ एक चीज़ होती है कि बाय डिफॉल्ट आप या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ आप एक चीज़ को आप, हाँ सिर्फ आपने एक चीज़ को कॉल करना है, डिफॉल्ट तो आपके पास हमेशा एक ही होगा, ठीक है, यस आपके पास एक ही डिफॉल्ट इस पर आएगा, ठीक है। नहीं ना, क्या मतलब, हाँ यहाँ पे भी डाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ना ये, हाँ 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 यार वो तो कोई मसला नहीं है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये लो, गेट यू गेट प्रेम यूजर ये लो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और तो सबसे आसान आपके पास ये तरीका है। अच्छा अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे वॉचिंग वाला भी डाल लिया, ठीक है, वेब पैक कॉन्फिग के अंदर, सॉरी पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर हमारी जो फाइल है। अब इस पर एक और हमारे पास ये अच्छा वर्क फ्लो है, ठीक है, कि हम लोगों ने ये चीज़ें वगैरह की हैं, अब हम लोग आराम से अपने डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर काम कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स हो, हमने सिर्फ इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर मेन चीज़ें हम लोगों ने इम्पोर्ट शिम्पोर्ट करवानी है, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा वर्क फ्लो बन गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी दो स्टेप्स करता हूँ, पहले मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जाता हूँ और मैं लाइव सर्वर ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके वेब पैक रन करता हूँ, ऐसे ही है, ऐसे ही करता हूँ ना मैं, ठीक है। वॉट इफ ये दोनों काम मैं ऑटोमेट कर दूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके पहले इसको बंद करता हूँ, ये डिस्पोज ऑफ करता हूँ, और मैं इसको जाके बंद करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा वेब पैक डेवलपमेंट सर्वर, डेव सर्वर, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा npm install वेब पैक डेव सर्वर, ठीक है। ये मैंने सर्वर किया, ठीक है। अब ये सर्वर थोड़ा सा इंस्टॉल होगा, उतनी देर तक मैं इसको जाके कन्फिगर कर लूँगा किधर, अपने वेब पैक कन्फिगरिंग फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके आउटपुट की जगह पे मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा डेव सर्वर, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ये मेरे से दो चीज़ें लेगा, ये मेरे से लेगा कंटेंट बेस, ठीक है, और ये मेरे से लेगा पब्लिक पाथ, दिस इज इट। ये मैंने अपने क्या किया है, ये मैंने अपने डेव सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि ये इसकी हर चीज़ वर्चुअल इन मेमोरी होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी, फिजिकल मेमोरी, फिजिकल चेंजेस कुछ नहीं होंगे, हर चीज़ इसकी क्या होगी, ठीक है, इन मेमोरी स्टोर होगी, वर्चुअल मेमोरी के अंदर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जाके पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ठीक है, हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, सर्व का, और ये कॉल करें वेब पैक सर्व। तो अब मैं जब जाके यहाँ पे लिखूँगा npm install, npm run serve, देखते हैं क्या होता है जी। ये देखो, नहीं नहीं ये देखो, अब ये सर्व हुआ। अब इसने हमें बता दिया कि जी हमारा प्रोजेक्ट है वो इस लोकल होस्ट के ऊपर क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो मैं अब इसकी जगह पे जाके मैं, समझ आई? तो अब हम लोगों ने अपना क्या बना लिया, हम लोगों ने अपना लोकल सर्वर क्रिएट कर लिया, समझ आई सबको ये बात, क्लियर है, ठीक है। हम लोगों ने अपना सर्वर क्रिएट कर लिया। अब इस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो ये है कि चलो एक और काम करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास अपना वेब पैक का सीएल है, हमारे पास इंस्टॉल्ड है हम लोग। अब एक और चीज़ होती है कि जो हमारा वेब पैक सर्वर है ना, उसके ऊपर जो मैं चेंजेस वगैरह, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दोबारा से ऐड टाइटल करता हूँ रैंडम एक्सेस, ठीक है, कंपाइल शंपाइल होगा, सारा कुछ होगा, यहाँ पे शायद अभी कंपाइल हो रहा है, एक सेकेंड तो थोड़ा सा वेट करते हैं कंपाइल होने के लिए। चलो यार हो गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं जब यहाँ पे बंडल डॉट जे एस के अंदर जाऊँगा ना, ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। ये मुझे क्यों नहीं मिलेगी, ये मुझे इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये क्या करता होता है, ये वर्चुअली फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होती, ठीक है, मतलब कि दिस इज नॉट गुड फॉर डिप्लॉयमेंट, ये आप डिप्लॉयमेंट पे नहीं करोगे, ठीक है। आप अगर पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, सर्व है और ये वेब पैक है, ठीक है। अब मसला ये है कि हम लोगों ने सर्व के लिए डिफरेंट चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, और हम लोगों ने प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट चीज़ यूज़ करनी है। फ़र्क ये है कि सर्व अगर मैं करता हूँ ना, लोकल डेवलपमेंट सर्वर ऑन करता हूँ, वो मेरे लिए तेज़ है, ठीक है, उसके लिए मुझे, मेरे लिए बहुत आसान है चीज़ें वगैरह ऐड करना, मेरे लिए बहुत आसान है उसके अंदर क्या कहते हैं, क्विक रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि वो कंपाइलेशन नहीं होती, कन्वर्ट नहीं होता कोड। लेकिन जब मैं प्रोडक्शन करूँगा, ठीक है, जब मैं प्रोडक्शन के ऊपर जाऊँगा, तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, कि मैं पूरा पूरा कोड कंपाइल करूँ वेब पैक के थ्रू,
ठीक है, और बंडल डॉट जे एस के अंदर उसकी मुझे मैनिफेस्टेशन नज़र आए। अभी बंडल डॉट जे एस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ से चीज़ें उठा रहा है, ठीक है, एंड दैट इज़ इट, चेंजेस वगैरह सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर दो तरह की स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू को ख़त्म कर देंगे क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सर्वर ऑन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारे लिए है, ये हमारे लिए जब हम लोग ये रन करेंगे तो ये पूरा पूरा बिल्ड करेगा उसे, हम लोग इसको रीनेम कर देंगे, इसको हम लोग कह देंगे कि ये बिल्ड है सर, ठीक है। मतलब कि अब मैं यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ, बंद करता हूँ, और मैं npm रन बिल्ड करूँगा ना, तो फिर पता क्या होगा, फिर वेब पैक रन होगा और मेरी जो बंडल डॉट जे एस की फाइल है वो भी चेंज होगी। ये देख रहे हो रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गई यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जब मैंने चीज़ प्रोडक्शन पे फेंकनी है, ठीक है, जो मैंने कोड प्रोडक्शन पे डालना है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा npm run build, ठीक है। और जब मैंने सिर्फ अपना डेवलपमेंट सर्वर ऑन करना है टेस्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है, टेस्टिंग के लिए चीज़ें वगैरह ऐड करने के लिए, तो मेरे पास एक होगा क्या, सर्व का, ठीक है। मतलब कि हमारे पास दो तरह के हो गए, एक हमारे पास हो गया क्या कहते हैं प्रोडक्शन के लिए, और एक हमारे पास किसके लिए हो गया, हाँ जी भाई किसके लिए हो गया, टेस्टिंग के लिए हो गया, समझ आइए। क्या मतलब, दोबारा बताओ, मतलब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने सर्वर अपना क्रिएट कर लिया, बस मुझे बाकियों का नहीं पता कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, लेकिन उनका भी मेरे ख्याल से कोई सिमिलर ही होगा फिर, क्योंकि मुझे नोड का पता है, नोड के अंदर क्या होता है, नोड के अंदर आप एक एक्सप्रेस का सर्वर ऑन करते हो, आप उसे पोर्ट देते हो, ठीक है, उसे आप लिसन करवाते हो, ठीक है, वो फिर बैक एंड फोर फ्रंट एंड अपने आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ आ गई ये सबको। तो ये हमारे पास, अच्छा अब हमें यहाँ पे बाबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब हम लोग बाबल ऐड करेंगे वेब पैक के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सेपरेटली। इसके लिए हमें चाहिए बाबल लोडर, ठीक है, जो हमारी बाबल वगैरह की जो स्क्रिप्ट्स होगी ना उसे लोड करेगा। तो लोडर्स जो होते हैं ना वेब पैक के अंदर, वो होते हैं कि उनको आप टास्क, वो टास्क होते हैं जो हम लोग रन कर सकते हैं जब वो लोड होते हैं विद मॉड्यूल स्टेटमेंट्स और इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो भी आपके मॉड्यूल स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, वो आपकी लोडर के थ्रू रन होंगी, समझ आ रही है। तो अगर हम अपने अपने कोड के अंदर रीलोडर्स ऐड करते हैं ना, या लोडर्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे कोड के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो जैसे जैसे चेंज होती रहेगी मॉड्यूल स्टेटमेंट्स के थ्रू या इंपोर्ट स्टेटमेंट्स के थ्रू, उसे पकड़ के हमें शो करवाता रहेगा। इसी चीज़ के ऊपर हम लोग बाबल यूज़ करेंगे कि जब हमारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, आप बाबल को भी रन करो और कंपाइल भी करो। उसके लिए मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, इसका नाम है बाबल लोडर, और इसको भी मैं अपनी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर सेव करूँगा, और फिर इसको मैं कन्फिगर करूँगा, किधर, इसको मैं कॉन्फ़िगर करूँगा अपने नोड कह रहा हूँ, अपने वेब पैक कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर जाके यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉड्यूल, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। इस मॉड्यूल के अंदर मैंने रूल्स ऐड करने हैं, ठीक है, रूल्स के लिए ऐड करने के लिए एक अरे है, अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने करना क्या है, सबसे पहले मैंने करना के टेस्ट करना है मैंने कि मैंने बाबल किस किन फाइलों के ऊपर रन करना है, ठीक है, मैंने अब हर फाइलों के ऊपर तो रन नहीं करना ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस फाइल के ऊपर टेस्ट करना है, और उसके लिए मैं यूज़ करूंगा क्या, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमें याद है कि रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होती है ये दो फ्रंट एंड्स के क्या कहते हैं दो फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ, ठीक है। फिर हमने बताना है उसे कि कोई भी जे एस फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल को आपने पढ़ना है, ठीक है,
और उसके जो भी आपको जेएस वाली डॉट जेएस की जिसके साथ एंड हो रही है, ठीक है, फाइल, वो आपने पकड़नी है इन एंड। तो ये है कि जी आप इसके पीछे एक बैक स्लैश डॉट, कि ये कोई भी फाइल, ठीक है, जो डॉट जे एस के अंदर एंड हो रही हो। ये हम लोगों ने टेस्ट ऐड कर दिया कि ये अब टेस्ट क्या करेंगे, ये रूल ऐड कर दिया हम लोगों ने कि भाईजान सिर्फ आप उन फाइलों को देखो, उन फाइलों के ऊपर हम लोग बाबल रन करेंगे जो कि डॉट जे एस के एंड पे, ठीक है, डॉट जिनके एंड पे डॉट जे एस आता है। लेकिन अब हमने उसको ये भी बताना है कि अब आपने हर फाइल के ऊपर या हर जे एस फाइल के ऊपर नहीं रन करना, ठीक है। तो इस पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे किसको, फिर दोबारा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे नॉट मॉड्यूल्स, कि भाई जान आपने नॉट मॉड्यूल्स के अंदर जो जेएस फाइल है उसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, उसको आपने एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। और फिर हम इसको बताएंगे कि हम लोगों ने क्या लोडर यूज करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बाबल लोडर को इंस्टॉल किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज, यूज के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें डालेंगे, लोडर, और यहाँ में हम लोग डाल देंगे लोडर का नाम जो कि है बाबल डैश लोडर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस भी दे देंगे जो हम लोगों ने ऑप्शंस दी थी बाबल आरसी के अंदर, ठीक है। अब हमने ये खत्म कर दिया, हम इसको यूज नहीं कर रहे। तो ऑप्शंस के अंदर हम लोग एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर देंगे प्रीसेट्स, ठीक है, जो लेगा एक अरे, उस अरे के अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे जो हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पे पास किया था, ये बेसिकली, बस यहाँ पे इसको खत्म करना है, ऐसे नहीं आएगा। एंड दिस इज इट, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने अपना जो बाबल को हम लोगों ने इसके अंदर भी अपने वेब पैक के अंदर हमने ऐड कर दिया कि भाईजान मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक रूल ऐड कर रहे हैं कि भाई टेस्ट आपने सिर्फ बाबल उस पर रन करना है जो एंड हो रही है जावा डॉट जे एस की एक्सटेंशन के अंदर, उसमें से हम लोगों ने नोड मॉड्यूल्स को एक्सक्लूड कर देने, और हम लोगों ने कौन सा लोडर यूज करना है, हम लोगों ने बाबल लोडर यूज करना है जिसकी प्री सेट वैल्यू सारी जो ई एन वी है वो यहाँ पे है, क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे दोबारा, अब आपने अगर नॉर्मल सर्वर वगैरह खोलने, एन पी एम रन सर्व होता है, ठीक है, अब आप एन पी एम रन सर्व वगैरह कर लो, ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास अगर लोकल सर्वर चल गया, अभी नहीं चला, अब चल जाएगा, ठीक है, और अब आपके पास ये लोकल सर्वर वगैरह रन हो जाएगा। एक सेकेंड, अभी कंपाइल हो रहा है। अच्छा, अभी ये देखा है बंडल खत्म हो रहा है, चेक कर रहे हो, क्योंकि अब वो स्क्रिप्ट वगैरह रन कर रहा है, ठीक है। तो अभी बंडल खत्म हो जाएगा और हमारे पास चीजें वगैरह, ये देखो हमारे पास हो गया पूरा। पहले उसने क्या किया, बंडल डॉट जे एस के अंदर गया, ठीक है, उसने ये सारा क्या कहते हैं ये चीजें वगैरह इसने रन की, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग इंडेक्स डिकोड शिकोड जो उसने करना था सारा किया, ठीक है, और उसने जाके हमें ये चीज प्रोवाइड कर दी, समझ आ रही है। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमारे पास बार बार ये एरर आ रहा है, ठीक है, कि यार आपका मोड ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे भी हमारे पास एरर आ रहा है कि यार द मोड ऑप्शन हैज नॉट बीन सेट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैकेज और जेसन के अंदर जाके, ठीक है, बिल्ड के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं मोड प्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पे जाके लिख सकते हैं मोड डेवलपमेंट, ताकि उसको पता हो जब कंपाइल वगैरह करेंगे तो ये एरर हमारे पास आइडियली खत्म हो जाएगा, सही है। अभी आते हैं, यार आना नहीं चाहिए अब, लेकिन अभी ये कंपाइल शपाइल हो रहा है मेरे ख्याल से, या हो गया कंपाइल, और अभी भी एरर आ रहा है, नहीं जाती है यार ये, तो इसको ठीक करते हैं। हैज नॉट बीन सेट वेब पैक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, भाई वेब पैक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही ऐड किया मैंने स्क्रिप्ट्स के अंदर, किसको, चलो रन करके देख लेते हैं, शायद रन करना पड़े,
हाँ ये देखो ठीक है, फौरन हो गया सारा कुछ, रन हो गया ठीक है, और अब एरर खत्म हो गया। हाँ जी, और अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, लास्ट चीज के ऊपर बोलते हैं। अब ये सारा कुछ आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ एक बार इसको लिखना है और आपके पास एक बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें जो आपने बनानी बनानी है, ठीक है, ये बेसिक चीजें आपने लिखनी लिखनी है, ठीक है, ये आपको बिफोर आफ्टर नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये सारी चीज क्रिएट करके आप इसे अपनी गिटहब की रेपो के ऊपर सेव कर सकते हो। तो जब आप अपना नया प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाओगे, आप बस उसको गिट क्लोन करोगे और इसी इसी चीज के ऊपर आप चीजें वगैरह बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे। समझ आ रही है आपको? बार बार ये नहीं हो पॉसिबल कि आप बार बार बैठ के कोड लिखो, समझ आ रही है? हाँ, npm इंस्टॉल करोगे ना तो वो सारे पैकेज और जेसन के जितने होंगे वो रन हो जाएंगे। यस, सारी फाइल्स आती हैं इसमें। ये असल में पूरा आपका जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपने नेटलिफाई के ऊपर, अब आप ये पूरा फोल्डर नेटलिफाई पे नहीं डालोगे ना, आप सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर अपलोड कर दोगे नेटलिफाई के ऊपर और आपके पास ये चीज चल जाएगी। समझ आ रही है? मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट निकाला हुआ है इसको इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। वो है कि हम लोग अपनी एक यूआई लाइब्रेरी बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब वो कोई भी बंदा यूज कर सकेगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह डालेंगे कि ये कंपोनेंट है ये टैब्स का, ये कंपोनेंट है उसका, ये कंपोनेंट है इसका, ब्ला ब्ला ब्ला। सही है? तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा जावास्क्रिप्ट का आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग थोड़े से एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे ES6 के और हम लोग एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, दैट इज इट, ठीक है, नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर बेसिकली जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। क्लियर है? कोई सवाल? मजे की बात है कि रिएक्ट ने एक क्रिएट रिएक्ट ऐप ने ये हर चीज आपको ऑलरेडी दी होती है, बॉयलर प्लेट। यस, सही है। जावास्क्रिप्ट का फायदा ये होता है कि आप डॉम के बहुत करीब होते हो, आप डॉम को जिस तरह मर्जी चाहो मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है ना, अब देखो, अब आप रिएक्ट जाते हो, रिएक्ट सीखने जाते हो, उसमें सारा मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर इस तरह का क्रिएट करते हो पीछे, ठीक है। अब आपको अगर पीछे बेसिक्स ही नहीं पता कि यार अच्छा पीछे फाइल स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हो रहा है, आप क्या करोगे जॉब के अंदर जाकर, खुद सोचो। समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने पहले ये करवाना नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा यार कि ये ज़रूरी है, टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन एक बार समझ आ जाएगी तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। हाँ एग्जैक्टली, आप समझ आ रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असल में मकसद ही भी पीछे यही था कि यार अब आपको पता लग गया कि असल में पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये चीजें बनी है, ठीक है, ये क्यों हमें यूज करना चाहिए या ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो आपको सिर्फ अब आप आओ, अगर आपके पास ये कोड सर्व हुआ हुआ है, आपने ये बॉयलर प्लेट सारा खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप आओ, आपने सिर्फ एक लाइन ऑफ कमांड को रन करनी है, वो क्या है, npm इंस्टॉल और npm सर्व या npm बिल्ड, ठीक है, आपके पास चीजें वगैरह आ जाएंगी। आप अंदर अब जाओ, सोर्स के अंदर जाके जो आपने कोड लिखना है लिखो, कोई आपको नहीं रोकेगा। समझ आ रही है? और मजे की बात है, हमारी जो index.5, हम लोग इसको छेड़ ही नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने, यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव अगर कर देता हूँ तो नोटिस करो कि हमारी index.html फाइल के अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हर चीज हम लोग जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हो?
यहाँ से हम लोग पूरा डॉम, हम लोगों ने पूरा बॉडी पकड़ लिया डॉम की। मतलब अगर आपने H1 टैग्स वगैरह भी बनाने हैं, आपको आपको एच आपको जाने की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, देख रहे हो। तो ये पावर है जावास्क्रिप्ट की कि आप इसको छोड़ दो, खत्म कर दो डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सिर्फ एसेट्स वगैरह डाल दो, सीएसएस वगैरह डाल दो, अपनी स्टाइलिंग वगैरह डाल दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो वन इज सेइंग एनीथिंग, सही है। लेकिन हर चीज़ अब कहाँ पे चलेगी, वो इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर खुद ही ये बंडल डॉट जे एस इसको करवा देगा। अब आप इधर जितनी मर्जी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह डालो, तो जो हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो मज़ा आएगा। क्लियर है सबको यार, मज़ा आया आज के लेक्चर का? थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन अब एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।